हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा एंड मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो वीडियो है वो बेस्ड है स्टार्टिंग अ स्केच बुक। सो बिफोर वी स्टार्टिंग, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आप अच्छी अच्छी वीडियो मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो स्केच बुक है ये ब्रिस्टो की आर्टिस्ट स्केच बुक है। ये मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। अनबॉक्सिंग की जो वीडियो है वो ऑलरेडी बना के इसका लिंक मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने स्केचिंग ऑलरेडी डन करके रखी है क्योंकि डूडलिंग था, काफ़ी ज़्यादा इसमें बारीक काम होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने पहले से पेंसिल स्केचिंग डन रखी थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से उसको हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, और वैसे भी ब्लैक का ही हमारा यहाँ पर काम है पूरा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने डूडलिंग स्टार्ट कर दी है, और इसमें सबसे अच्छी बात जो है, यहाँ पर मैंने ढेर सारे अच्छे अच्छे थॉट्स इन कैलीग्राफी में अपने स्टाइल में ड्रॉ किया है। जैसे कि इंस्पिरेशन, आप कोई भी स्केचबुक स्टार्ट करते हो उसमें एक इंस्पिरेशन होती है, किसी को देख के, किसी को सीख के आपके जो एटमॉस्फेयर में होता है। जैसे कि फोकस, आप कोई भी काम करते हो तो उसमें फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अच्छे अच्छे इसमें मैंने थॉट्स लिखे हैं। ऑल्सो आप कोई भी स्केचबुक स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। आपके जो काम में आपका डिसिप्लिन रहेगा तो आप अच्छा कर पाओगे, और आपको बिलीव करना होगा इन योर सेल्फ कि हाँ, आप अच्छी स्केचबुक तैयार कर सकते हो। और वैसे भी ये आपकी स्केचबुक है तो आपको इसमें इतना कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं कि आपको क्या एक एक कॉम्पिटिशन बेस्ड तो है नहीं, ये सिर्फ आपकी स्केचबुक है, आपको डिफाइन करेगी। तो बस आपको करते जाना है, जस्ट करते जाना है, ड्रॉ, क्योंकि आपकी थिंकिंग जो है वो स्केचबुक में इन्हेंस होती है। आप जितनी स्केचबुक फिलअप करोगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, और आपकी जो स्किल्स हैं वो रियली डेवलप्ड होंगी। तो ये जो स्केचिंग की वीडियो है, मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जो सोच रहे हैं स्केचबुक स्टार्ट करना कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे एक एक्सपेंसिव स्केचबुक चाहिए या कुछ ऐसा। आप लोकल मार्केट में जाइए, आप कोई सी भी स्केचबुक उठाइए और बस एक पेन, पेंसिल, अगर आपको कलर्स करने हैं तो वो और भी अच्छी बात है, आपकी जो स्केचबुक है वो काफ़ी सुंदर दिखेगी। तो आप बस उठाइए एंड जस्ट स्टार्ट कर दीजिए। उसमें कोई भी आपकी अलग लेवल की कोई स्टडी नहीं चाहिए। आर्ट इज़ ऑल अबाउट यू, योर पैशन, योर इमेजिनेशन, राइट? तो बस करते जाइए। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ढेर सारे अच्छे अच्छे थॉट्स लिख रखे हैं, तो आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा। तो ये जो मेरी स्केचबुक है, मेरे हिसाब से मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक थीम रखूँगी, ब्लैक एंड वाइट। मुझे अभी इसमें कलर का मन नहीं था, एक स्केचबुक होनी चाहिए जिसमें ब्लैक एंड वाइट कुछ टेक्स्चर हो। तो ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर मैंने डूडलिंग कंप्लीट कर ली, तो आई थिंक आपको अच्छी लग रही होगी। यहाँ पर ढेर सारे जो मैंने थॉट्स लिखे हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे, अभी कम दिख रहे होंगे, जब हम लोग बैकग्राउंड फिल करेंगे ब्लैक से तो वो और उभर के आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने ऑल्सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोई भी स्केचबुक स्टार्ट करते हैं तो आप अगर आपने 10-15 स्केचबुक कंप्लीट कर लिया, आप कभी भी उठा के पढ़ रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि ये कब मैंने स्टार्ट की थी या कब मैंने एंड की थी, इसका कौन सा डेट था, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर था, तो वो सब आपको नहीं पता है। इसीलिए आप जब भी कोई भी पेंटिंग करें, ज़रूरी नहीं स्केचबुक, आप कोई भी पेंटिंग कभी भी करें, कोई भी ड्रॉ करें, आर्ट करें, तो आप हमेशा उसमें डेट और मंथ एंड ईयर ऑफ कोर्स उसमें लिखना चाहिए, कहीं भी कॉर्नर में जो भी आपका मन करे उस
से आपको रहता है कि हाँ मैंने ये यहाँ पर किया था, मैं वहाँ गई थी, मैंने वहाँ पर बनाया था इसे, तो अच्छा रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अलग ही अपने हिसाब से बनाया है, यहाँ पर मैंने स्टार्ट टू एंड का एक पेज पर मैंने स्टार्ट डिज़ाइन किया है एंड एक पेज पर एंड। यहाँ पर मैं इसके साइड में लिखूंगी कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, जो डेट थी और सारी चीज़ें डालूंगी, एंड देन एंड जब हमारी स्केचबुक हो जाएगी, होप सो आपके साथ रही है, तो इस स्केचबुक पर अच्छे अच्छे हम आर्ट वर्क करेंगे, एंड जैसे ही ख़त्म होगी तो यहाँ पर एंड की भी डेट एंड सब कुछ डाल देंगे। तो नाउ ये मैंने कर लिया है स्केचिंग डन, पेन का भी हाईलाइट कर लिया है। तो आप जितनी भी पेंसिल स्केचिंग करें उसमें फिर बाद में आपको इरेज करना इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर मैंने सब इरेज कर दिया है, कुछ भी ऐसे ख़राब ना दिखे, एकदम क्लीन हो जाए आपकी स्केचबुक। नाउ अब हमें ब्लैक से और उभारना है, तो मैं जो स्टार्ट और एंड का जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं मैंने उसको मैं, हाँ एक और बात है, मैंने यहाँ पर कैलीग्राफी में इतना नहीं, बस सिंपल सा स्टार्ट टू एंड लिखा है जो कि कैपिटल लेटर्स है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैंने इसको ब्लैक कलर से फिलअप कर लिया है, तो ये थोड़ा एकदम ये ब्राइट दिखने लगे, पहले आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बट। तो अब सेम टू सेम मैं क्या करूँगी, जो स्टार्ट के नीचे के जो डूडलिंग जो मैंने की है, डिज़ाइन बनाए हैं उसमें जो मैंने डूडलिंग जो किया है, इसमें मैं क्या करूँगी, उसके जो बैकग्राउंड में जो वाइट बैकग्राउंड है उसको मैं ब्लैक भर दूंगी। ये तो वो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ब्लैक से फिल किया है बैकग्राउंड को और जो डूडलिंग है वो वाइट रखी है, तो ये एक अलग टेक्सचर दे रहा है और अलग दिख रहा है। लेकिन सेम टू सेम मैंने यहाँ पर नहीं किया है एंड वाले पेज में, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ब्लैक डूडलिंग में किया है फिलअप एंड जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखा है, तो ये एक अलग कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कुछ अलग दिमाग था मेरा, था चलो ये कर लेते हैं, तो ठीक है अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। ये मैंने कर लिया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, नाउ नथिंग टू डू, जस्ट राइट योर डेट। यहाँ पर मैंने 15 जून को स्टार्ट किया था ये वीडियो, तो ये हो गई हमारी वीडियोस ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स से जो करना चाह रहे हैं यहाँ पे न्यू स्केचबुक स्टार्ट, तो उन्हें ये ज़रूर रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टे हैप्पी स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।